नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं मार्च 6 का खास पाठ। दंत चिकित्सक दिवस हर साल मार्च 6 को मनाया जाता है। कहते हैं एक खूबसूरत मुस्कुराहट किसी का भी दिल जीत सकती है और ये मुस्कुराहट तभी बनी रह सकती है जब आपके दांत स्वस्थ और सेहतमंद हो। यह दिन दंत चिकित्सकों को समाज में उनके योगदान की सराहना करने और साथ ही मौखिक स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। हालांकि दंत चिकित्सक दिवस कैसे आया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दंत चिकित्सा 1700 के दशक के आसपास पेशेवरों के रूप में पहचाना जाने लगा था। हालांकि इससे पहले हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु ने दंत चिकित्सा के बारे में लिखा था। 1530 तक दंत चिकित्सा पर एक किताब बाजार में आई जिसका शीर्षक था द लिटिल मेडिसिनल बुक फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटीज ऑफ द टीथ। 1724 में पियरे फोचर्ड नामक एक फ्रांसीसी सर्जन को आधुनिक दंत चिकित्सा का जनक घोषित किया गया था। 21 फरवरी 1828 को जॉन एम हैरिस द्वारा स्थापित पहला डेंटल स्कूल शुरू किया गया जिसने दंत चिकित्सा को एक स्वस्थ पेशे के रूप में स्थापित करने में सहायता की और 1840 में बाल्टीमोर कॉलेज ऑफ डेंटल सर्जरी नामक दंत चिकित्सा का पहला डेंटल कॉलेज स्थापित किया गया था। मध्य युग के दौरान और 19वीं शताब्दी के दौरान दंत शल्य चिकित्सा नाइयों या सामान्य चिकित्सकों द्वारा की जाती थी। चूंकि कोई एनेस्थेटिक्स नहीं थे, हम केवल उन लोगों की पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं जिनके खराब दांत निकाले गए थे। और अंत में क्या आप जानते हैं 6 मार्च 1961 को टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने वित्तीय मामलों पर देश के पहले अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स का बम्बई से प्रकाशन शुरू किया था और 6 मार्च 2009 को भारतीय वायुसेना को 3 दशक तक अपनी सेवाएं देने के बाद लड़ाकू विमान MiG-23 ने अंतिम उड़ान भरी थी।